जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट का नवल करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी आपको लाइट वन का लेक्चर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में और सारी चीजें बताने जा रहा हूँ कि क्रिटिकल एंगल को कैसे निकालते हैं। क्रांतिक कोण के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो देखिएगा, साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, डायरेक्टली आप कैसे याद रख सकते हैं, साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू लाइट मीडियम अपॉन म्यू हैवी मीडियम, या म्यू रेयर मीडियम अपॉन म्यू डेंसर मीडियम। सीधी सी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो हमेशा नीचे रहता हैवी वाला नीचे, लाइट वाला ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी साइन थीटा सी निकालना हो, क्रिटिकल एंगल निकालना हो आपको, तो आपको सबसे पहला काम होगा कि आपको लाइट मीडियम यानी कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखना है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम आनी चाहिए, ठीक है जी। जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आएगी, लेस देन वन, तो अपना क्रिटिकल एंगल का आंसर अपने आप सही चला आएगा। जनरली अगर बात करें एयर और एनी मीडियम के लिए, वायु और किसी अन्य माध्यम के लिए बात करें, तो साइन थीटा सी इक्वल टू वन बाय म्यू डायरेक्टली आता है, क्योंकि एयर का कितना होता है वन और किसी अन्य मीडियम का, अनदर मीडियम का होगा म्यू। तो इसमें देखिएगा म्यू लाइट अपॉन म्यू हैवी, तो इसी के आधार पर हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, क्रिटिकल एंगल है फॉर एयर ग्लास मीडियम, वायु कांच कपल के लिए, वायु कांच युग्म के लिए, एक वायु है एक कांच है, इनके लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास कपल। तो देखिएगा, साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू लाइट अपॉन म्यू हैवी, ठीक है ना, कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू क्या आएगा, कम वाला कौन है एयर वन, ग्लास का कितना होता है 3/2, सो साइन थीटा सी इक्वल्स टू आ गया 2/3, सो इट कैन बी रिटन एज थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3। साइन इनवर्स 2/3 की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो आती है थीटा सी नियरली इक्वल्स टू 42 डिग्री, दैट विल बी अवर क्रिटिकल एंगल। और जैसा कि मैंने कहा था कि 2/3 ये कितनी है, एक से कम वैल्यू है, तो हमारी सारी वैल्यू जितनी भी क्रिटिकल एंगल में हम निकालते हैं, बिकॉज लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, इसलिए इसका मान हमेशा एक से कम आएगा इस वाली वैल्यू का, ठीक है जी। इसमें हमेशा एक से कम वाली वैल्यू आएगी। जब भी आपको आंसर टिक करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि जहां एक से कम वाला हो वो वाला आंसर आपको टिक करना है, क्लियर है। चलिए अगला वाला निकाल के देखते हैं, फॉर एयर वाटर कपल के लिए, ठीक है जी, एयर वाटर कपल के लिए देखते हैं, और एयर वाटर मीडियम जो है यानी रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जा रही है, यानी कि प्रकाश किरण पानी से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो वायु एवं जल युग्म के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा, फॉर्मूला फिर से वही है, लाइट मीडियम क्या है एयर तो वन, वाटर का कितना 4/3, तो 3 ऊपर 4 नीचे, साइन थीटा सी इक्वल टू 3/4, अगेन एक से कम है वैल्यू, तो ये आ गया साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू होती है नियर अबाउट 49 डिग्री, या अप्रोक्सीमेट क्या बोल सकते हैं 49 डिग्री होती है इसकी वैल्यू। तो एक और आंसर हमारा आ गया, साइन थीटा सी इक्वल टू कितना आया 3/4, तो थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 और उसकी वैल्यू आ गई 49 डिग्री। अब आ जाते हम लोग अगेन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक्चुअली क्वेश्चन ये डायरेक्ट याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, टिक करने के काम आएंगे डायरेक्टली, तो इसलिए अपने को याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। लाइट मीडियम ऊपर रखिए, हैवी मीडियम नीचे रखिए, आपका आंसर आ जाएगा एक से कम वाला, वही आपको टिक करना है, ठीक है। अब आते हैं और ग्लास वाटर कपल, यानी कि कांच और जल युग्म के लिए, और ग्लास वाटर मीडियम या ग्लास वाटर कपल के लिए देखें, अगेन वही फॉर्मूला है, साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू लाइट कांच और वायु में, यानी कि
सॉरी कांच और जल में, यानी कि ग्लास और वाटर में कौन हैवी कौन लाइट। तो देखा जाए तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो हैवी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखा जाए तो किसका लाइट होगा, हम कहेंगे किसका, पानी का, 4/3 होता है, कांच का 3/2 होता है। अगेन देखें वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 8/9। देखिए फिर से एक से कम वैल्यू आई है, ये एक से कम वैल्यू आई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 9/8 आ रहा था, आप उसको चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए। अगर आपने गलती से वैल्यू गलत रख भी दी है और आपकी वैल्यू 9/8 आ रही है, देन इट इज रॉन्ग आंसर। तो हमको उसको सही करने के लिए करना पड़ेगा, उसको पलट के लिख दो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा सी, तो थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, और इसकी वैल्यू आएगी लगभग लगभग 63 डिग्री के आसपास, 62 पॉइंट समथिंग समथिंग, या फिर 63 डिग्री ही दे सकते हैं। तो ये आपके क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज आ गई। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी भी आपको क्रिटिकल एंगल निकालना हो, सबसे बेस्ट तरीका है साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू लाइट अपॉन म्यू हैवी, रखिए ऊपर कम वाला नीचे ज्यादा वाला, आपका आंसर सही आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार एक और क्वेश्चन आता है, एक ब्लॉक है, रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, ठीक है जी, और अंदर आती है, इस पर टकराती है, टकराकर यहां से TIR हो जाता है, रे ऑफ लाइट पूर्णतः किधर आती है, टकराकर साइड आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, किधर आती है, टकराकर थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है, यहां से आकर यहां पर किसी एंगल पर इंसिडेंट होकर यहां से TIR हो जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है यहां पर, तो यहां पर थीटा एंगल पर आई, तो इस मीडियम का क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जिससे कि ये TIR हो जाए, इस वाली सरफेस से आउट ना होने के लिए रे ऑफ लाइट को, यानी यहां से TIR होने के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस म्यू। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हैं, डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई स्नेल के नियम से यहां से स्टार्ट कर दीजिए, स्नेल का नियम लगाइए, ये थीटा है, ये रिफ्रैक्टिव आर हो जाएगा, यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, जिससे इक्वेशन ना के आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक कॉम्पिटिटिव के लिए डायरेक्ट ट्रिक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक ब्लॉक दिया है, उसमें यहां पर थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई है और अंदर से TIR हो गया, इस सरफेस पे TIR हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, तो ये म्यू कितना होगा इस मीडियम का, इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा जिससे कि प्रकाश किरण इस सरफेस से बाहर ना निकले, या फिर यहां पर खड़े व्यक्ति को ये लाइट रे दिखाई ना दे। इन दैट केस आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा, एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक जगह एक प्रकाश किरण जो है किसी माध्यम से क्या कर रही है, TIR हो रहा है, एक प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, TIR अकर्स ऑफ ए लाइट रे, देन व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड एंगल, ठीक है जी। इनमें रिलेशन पूछा जाता है अक्सर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा में आपतन कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होगा जब भी प्रकाश किरण कहीं पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसका हो रहा हो, ठीक है जी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, रे ऑफ लाइट हैविंग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, फॉर TIR होगा तो फॉर TIR की शर्त होती है थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन निश्चित ही होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिएगा तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/μ। नॉर्मली अगर कोई मीडियम ज्यादा कुछ नहीं दिया तो साइन थीटा सी क्या होता है, 1/μ। हम ये मान लेते हैं कि म्यू मीडियम से रे ऑफ लाइट एक म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से प्रकाश किरण वायु में जा रही है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम टू एयर, मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, एयर का 1, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/μ या म्यू ग्रेटर देन 1/sin थीटा, दैट विल बी अवर आंसर।
ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। अगर टी आई आर हो रहा है तो टी आई आर की शर्त ये होगी, इनमें ये रिलेशन आएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, एक रे ऑफ लाइट आ रही है इस प्रिज्म पर या ट्रायंगुलर प्रिज्म पर, एक ट्रायंगल पर ऐसा कह सकते हैं, ये 90 डिग्री है। ठीक है, प्रिज्म है ए बी सी एंड सरफेस बी सी पर इंसिडेंट होती है और यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। ऑन दैट सरफेस इट बिकम्स टी आई आर, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, प्रकाश किरण निकल जाती है, यानी इस सरफेस से इमर्ज नहीं होती। तो यहां से इमर्ज नहीं होती तो हमको देखना है कि इसका म्यू कितना होगा, इस मीडियम का, इस प्रिज्म का म्यू कितना हो जिससे कि प्रकाश किरण जो है यहां से टी आई आर हो जाए, इस सरफेस से बाहर ना निकले। इसके लिए इसका कोण कितना होगा, इसका सॉरी अपवर्तनांक कितना होगा वो देखना है। ये 90 है तो बाय सिमेट्री इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिमेट्री मेथड लगाएंगे। कुछ नहीं कहा आपसे, कोई एंगल नहीं दिया आपको, तो आप सिमेट्री मेथड लगाइए। ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंड दैट इज आल्सो 45 डिग्री। ठीक है जी, हमको म्यू निकालना है इसका कि इसका म्यू कितना हो तो जिससे कि ये टी आई आर हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। तो देखिएगा फॉर टी आई आर मैंने शर्त बताई थी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब भी कंडीशन आए फॉर टी आई आर साइन क्या होता है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये ज्यादा होगा तो टी आई आर जरूर होगा। तो देखिएगा साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी, थीटा कितना दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है 45 डिग्री, बाय सिमेट्री हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। साइन थीटा साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन साइन थीटा सी कितना है 1 बाय म्यू, म्यू को इधर लाइए साइन 45 इधर ले जाइए, तो म्यू ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, सो म्यू ग्रेटर देन साइन 45 वैल्यू थी 1 बाय रूट 2, तो ये रूट 2 यहां आ गया। So our answer will be mu greater than root 2 या mu greater than 1.414, mu की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, root 2 से ज्यादा या 1.414 से ज्यादा आएगी हमारी वैल्यू। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन ये हो गया। इस टाइप की वैरायटी अक्सर पूछी जाती है टी आई आर पर बेस्ड क्वेश्चन, तो टी आई आर पर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आए तो उसकी ट्रिक या उसका ब्रेकिंग स्टेप होता है थीटा की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए तो टी आई आर होगा। ठीक है जी, इसको याद रखेंगे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक पिछला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जहां पर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, तो रे ऑफ लाइट जो थी पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड हुई थी एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रही थी और प्रकाश किरणों का क्या हुआ था, आंशिक रूप से परावर्तित तथा आंशिक रूप से अपवर्तन हुआ था। आंशिक रूप से परावर्तित और अपवर्तित करने एक दूसरे से 90 डिग्री पर थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन की, रे ऑफ लाइट यूं आई थी, यूं गई थी और यहीं पर ये रे ऑफ लाइट इधर भी चली गई थी और इनके बीच में एंगल था 90 डिग्री, म्यू वन से म्यू टू में गई थी। ठीक है ना, म्यू वन से म्यू टू में गई थी, यहां पर आई था, ये आर था, ये आर डैश था। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने इसके बारे में, तो जब भी अगर देखना हो तो पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई थी कि जो आया था tan i इक्वल्स टू आया था म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये आया था, ये हमारा डायरेक्ट आया था। मैंने ट्रिक भी बताई थी इसकी कि रेयर टू डेंसर में जाना है तो डेंसर से रेयर में जाना है तो उसको यूज कर सकते थे। ये आ गया हमारा tan i इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है जी, ये रिलेशन आया था हमारा म्यू वन से म्यू टू में जाने का। मान लिया अगर ये क्या है, ये है सघन माध्यम डेंसर मीडियम, ये है विरल माध्यम, ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम, तो क्या हो जाएगा tan i इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन लाइट अपॉन हैवी, ये कंडीशन आ जाएगी। यानी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो म्यू कर चुके आएगा, कॉट आई आता है नॉर्मली, लेकिन यहां पर भी आ जाएगी वो वैल्यू, डेंसर रेयर देखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, और अगर इनडायरेक्टली म्यू टू म्यू वन के टर्म्स में पूछा है तो इस तरीके से करके फिर देखेंगे हम क्या अब रिलेशन आएगा हमारा, क्या कि साइन थीटा सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन थीटा सी या साइन आई सी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू लाइट अपॉन म्यू हैवी, मतलब म्यू कम वाला अपॉन म्यू ज्यादा वाला, यानी कि म्यू लाइट यानी कि म्यू कम वाला मतलब कौन सा है रेयर मीडियम, ज्यादा वाला कौन सा है डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम को नीचे रखना है, इन दोनों में डेंसर कौन सा है म्यू वन है, तो साइन थीटा सी क्या आ जाएगा म्यू वन कौन सा है ये है, म्यू टू कौन सा है मतलब रेयर मीडियम है विरल माध्यम है, और म्यू वन कैसा है सघन माध्यम है, तो देखेंगे तो अपन कर देंगे इसको म्यू टू बाय म्यू वन, इसमें ये कंडीशन कर देंगे म्यू टू बाय म्यू वन, ये रेयर है ये डेंसर है, साइन थीटा सी की वैल्यू इसमें ये आएगी, अगर ये डेंसर थ्रू रेयर जा रही है तो यहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी ये आएगी, ठीक है ना, इन दैट केस म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या है टेन आई, तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू टेन आई वैल्यू हो जाएगी, ये इनमें रिलेशन आ जाएगा, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं या थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स टेन आई, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी ऐसे आए तो इनसे रिलेशन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको बोल दिया, अगर ऐसा नहीं दिया आपको डायरेक्टली बोल दिया, ये सब कुछ छोड़िए मैं ट्रिक से कराने जा रहा हूं आपको, ट्रिक से क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूं क्या कि जब डू यू अप्लाइड डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होता है म्यू बराबर कॉट आई, और रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा म्यू बराबर टेन आई, सघन से विरल में जाए म्यू बराबर कॉट आई, विरल से सघन में जाए म्यू बराबर टेन आई, ये फॉर्मूले हमारे, और साइन थीटा सी क्या होता है साइन थीटा सी होता है वन बाय म्यू, साइन थीटा सी इक्वल्स टू, तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी है कॉट आई, द वन अपॉन कॉट आई इक्वल्स टू टेन आई, तो थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स टेन आई, ये हो जाएगा, इन दैट केस म्यू इक्वल्स टू टेन आई है, साइन थीटा सी बराबर क्या होता है वन बाय म्यू, तो साइन थीटा सी इस केस में रेयर टू डेंसर में म्यू बराबर टेन आई, तो वन अपॉन टेन आई ऊपर जाएगा कॉट आई, तो थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स कॉट आई, इस तरीके से हम देख सकते हैं, इन शॉर्ट डायरेक्टली आपसे पूछा जाए ऐसा कुछ रिलेशन पूछा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इनडायरेक्टली, या डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपके पास ये मेथड है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते थोड़ा और दूसरी वैरायटी पर जिसको हम कह सकते हैं इसमें आईआईटी लेवल पर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिश आई व्यू, मछली की आंख का दृश्य, ये अकेला मछली पर आधारित नहीं है और भी चीजों पर आधारित है, अगर कोई व्यक्ति है कोई गोताखोर है कोई डाइवर है जो नीचे जाकर समुद्र की गहराई में जाकर वहां से ऊपर की ओर देखता है तो क्या स्थिति होती है, तो देखिएगा वही कंडीशन हम देखने जा रहे हैं, किसी मीडियम में आप नीचे गए, मान लीजिए यहां पर मछली है एक, एक फिश है जो किसी गहराई पर, यहां से ये मछली ऊपर की तरफ देख रही है, तो लाइट रेज जो है अपन बात करें जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाती हैं तो भी अभिलंब से दूर हट जाती है, मछली का आई व्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर लाइट सोर्स रख दे यहां पर एक लाइट सोर्स रख दे मछली की जगह पर एक टॉर्च रख दी, यहां से टॉर्च में से लाइट निकल रही है ऐसा मान लो, या मछली बाहर देख रही है ऐसा मान लो, दोनों ही किस्म का, तो लाइट रे जब बाहर जाती है तब डेंसर से रेयर में जाती है म्यू मीडियम से एयर में जाएगी, एयर का म्यू कितना होता है वन, म्यू मीडियम से एयर में जाएगी तो जो है रे ऑफ लाइट क्या होगी डेंसर से रेयर में जाने पर क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा ये बाहर निकल जाएगी, इस तरीके से टेंजेंशियली बाहर निकलेगी एट द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी पर, इधर भी थीटा सी आएगा, यहां थीटा सी है तो इधर भी थीटा सी,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा सी हो गया, और यहां पर एक सर्किल बन जाएगा। इस सर्किल में अगर देखें तो सर्किल की रेडियस कितनी होगी, सर्किल की रेडियस होगी आर, यहां से यहां तक ये रेडियस होगी सर्किल की, और ये यहां पर इस मछली की या लाइट सोर्स की डेप्थ हो गई एच, ये एच है ये आर है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आर है ये एच है थीटा जी के सामने। ठीक है जी, हमको निकालना है इसमें व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द कॉन फॉर्मड ऑन फिश आई। ठीक है जी, मछली की आंख पर बनने वाले शंकु के वृत्तीय भाग की त्रिज्या क्या हो वो निकालना है, जो कि मछली की आंख पर बना है वो, या लाइट सोर्स जब यहां पर जलाते हैं तो लाइट सोर्स कितने सर्कल में बनता है उसका रेडियस, या फिर ये बोलते हैं कि मान लीजिए अगर एक लाइट सोर्स नीचे है तो एक सर्कुलर कॉन में एक कॉन के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो हमें उस डिस्क का रेडियस बताना है या डायमीटर बताना है, उस चक्की का व्यास बताना है जिसको इसके ऊपर रख दें तो कोई भी प्रकाश यहां से बाहर नहीं निकलेगा, इस वाले एरिया से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, यहां से कोई भी प्रकाश बाहर ना आए, क्योंकि यहां का तो क्या हो गया टी आई आर ओके साइड में निकल गया, बीच में यहां से कोई प्रकाश बाहर ना निकलने पाए, जो यहां से निकल रहा था वो रुक जाए, ठीक है ना, यहां से ना निकल पाए। तो इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, रेडियस कितना होगा, डिस्क का रेडियस या डायमीटर, या फिर मछली की आंख पर बनने वाले कौन के सर्कुलर पार्ट की रेडियस क्या होगी, या लाइट सोर्स का जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट अपन देख लेंगे आगे आकर, लेकिन अभी सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा सी क्या होता है, साइन थीटा सी होता है, साइन थीटा कुछ होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण, तो आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है ये बेस है ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण ये आधार होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, इसके लिए देखें म्यू से एयर में जा रहे मतलब साइन थीटा सी हो जाएगा कितना 1 बाय म्यू इक्वल्स टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको इधर लाए इसको उधर ले गए, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया म्यू आर, अंडर रूट हटा दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी, एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन लिया म्यू स्क्वायर माइनस वन, आर स्क्वायर का धर लाए और आर निकालेंगे तो आर बराबर आएगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन, दैट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ द कॉन फॉर्म्ड ऑन फिश आई, और लाइट सोर्स की सर्कुलर पार्ट की रेडियस ये आएगी। एरिया निकालना हो पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू रख दी आपका एरिया आ जाएगा, डायमीटर निकालना हो रेडियस का डबल कर दिए डायमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट थिंग इसमें दूसरे तरीके से निकालना हो एक और फॉर्मूला हमारा, अगर आर और एच निकालना उससे नहीं निकालना है तो दूसरा तरीका है टेन थीटा सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार आर बटा एच, तो आर इक्वल टू एच टेन थीटा सी, थीटा सी के टर्म में ये हो गया यहां से ये डायरेक्ट स्टेप में सॉल्व हो गया, यहां पर एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें जब भी आईआईटी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक मीडियम यहाँ पर दूसरा मीडियम, ठीक है ना, और फिर साइन थीटा सी वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, म्यू लाइट अपॉन म्यू हैवी वो रखिए यहाँ पर, और फिर आर निकालिए उसको सॉल्व करिए, फिर जो आंसर आएगा नीचे वो आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पहले भी पूछा जा चुका है, तो आईआईटी जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक है आईआईटी मतलब बेसिक, आपका बेसिक क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बेसिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जो अपन ने देखा मछली के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, मछली नॉर्मली कहाँ रहती है, एवरीबॉडी नो बचपन से देखते आ रहे हैं मछली जल की रानी है, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो पानी में देखा जाए तो पानी और वायु के लिए फॉर एयर वाटर कपल, इस वायु और पानी योग के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, थीटा सी इक्वल टू 49 डिग्री। अभी अपन ने यहां देखा था यू एंगल बना था, हाफ एंगल कितना था थीटा सी था, ये थीटा सी ये था, तो थीटा सी कितना आएगा 49 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मछली है या लाइट सोर्स है, तो मछली की आंख पर बनने वाला
हाफ एंगल कितना होगा इस कोण का, अर्ध शीर्ष कोण कितना होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या 49 डिग्री। पूछते हैं क्वेश्चन एक और इसमें कि जब मछली पानी के अंदर गहराई में होती है तो मछली को पूरा बाहर का वर्ल्ड कितने एंगल पर दिखाई देता है, द होल वर्ल्ड सीन बाय फिश एट विच एंगल, देन हमारा एंगल का आंसर होगा डबल 2θc। और थीटा सी वाटर एयर के लिए कितना, 49, तो दूसरी सी कितना हो गया 98 डिग्री। ये अगला क्वेश्चन आता है थियोरटिकल क्वेश्चन जिसको अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड चीजें हैं, और भी ऐसी चीजें हम लोग देखते रहेंगे आगे, ठीक है जी। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए कम से कम टाइम में, एक बेसिक चीजें पकड़ के रखें। बेसिक पर मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन है कि मैं बेसिक सिखाऊं आप लोगों को, बेसिक सीखिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लाइट का अगला टॉपिक इसी में लेक्चर 6 में अपन बढ़ रहे हैं, लेंस की ओर। लेंस बोले तो हिंदी में कहते हैं इसको ताल, ठीक है जी। लेंस अंग्रेजी वर्ड है, जो लेंस हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस, वही लेंसों की बात कर रहा हूं। सो व्हाट इज लेंस, इट इज दैट होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, ठीक है जी। ये वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी कम से कम एक सतह वक्र होती है। इट इज दैट होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, दैट मींस दो सरफेस भी कर्व्ड हो तो भी चलेगा, ऐसी हो तो भी चलेगा, ऐसी हो तो भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। हमको कम से कम ये दोनों तो पता चलना चाहिए, ये इसके बारे में नॉलेज है तो भी काम हो जाएगा, ये है और अच्छी बात है। पर दो को तुम जरा से में पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है जी। तो बहुत आराम से देखना है, बहुत सिंपल चीज है। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, जो प्रकाश किरणों को कंसंट्रेट करता है एक जगह पर, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एक जगह पर। दिस इज कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, इसका काम होता है लाइट रेज को डाइवर्ज करना, फैलाना, ठीक है। ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल, समतल उत्तल, तो समतल उत्तल, ये था समोत्तल या इक्वी कॉन्वेक्स भी बोलते हैं इसको, ये है समतल उत्तल, नाम में कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में इसी कारण क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है जी। ये होता है समतल अवतल, प्लेनो कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स हो कॉन्केव, ये कॉन्केव हो कॉन्वेक्स, ये उत्तल अवतल, ये अवतल उत्तल, ऐसे नाम होते हैं। हमको सिर्फ इन दो को भी पढ़ लिया तो हमारा उद्धार हो जाना है, ये दो के बारे में नॉलेज हुए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दो को देखेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले कॉन्वेक्स को देखेंगे हम, हमारा कंसंट्रेशन होगा पहले कॉन्सेप्ट सीखने पर, ठीक है जी। क्वांटिटी से बेटर होता है क्वालिटी, सो कंसंट्रेट योर सेल्फ ऑन क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। आप क्वालिटी वाइज क्वेश्चन कम से कम करिए, थ्योरी पढ़िए, क्वालिटी से पढ़िए, दिमाग में रखिए, दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए लेंस को हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर हमारा पूरा लेंस पर आधारित होगा, हाउ द लाइट रिफ्रैक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से किस प्रकार से रिफ्रैक्ट होती है, उत्तल अवतल की प्रकृति क्या होती है, किस तरह से प्रकाश किरणों को डाइवर्ज या कन्वर्ज करते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद।